पठान की तर्ज पर जवान की टीम भी रिलीज से पहले मीडिया से बातचीत नहीं कर रही थी। पूरा दारोमदार फैन बेस पर था और ट्विटर के जरिए मूवी प्रमोट की जा रही थी, बाकी फैन क्लब तो अपने तरीके से काम कर ही रहे थे। बहरहाल मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और शाहरुख खान की टीम मीडिया के सामने आ गई है। इसके साथ साथ जो मूवी के डायरेक्टर एटली हैं वो भी धड़ल्ले से इंटरव्यू दे रहे हैं और रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया है वो पब्लिक के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज साबित होने वाली है। क्या है इस इंटरव्यू में, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली साल 2022 में एटली, शाहरुख खान और थलापति विजय की फोटो वायरल हुई थी। ये तस्वीर एटली की बर्थडे पार्टी से आई थी और इसी फोटो ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया जिसके मुताबिक जवान में थलपति विजय का कैमियो होना वाला था। लेकिन मूवी आ चुकी है तो हम ये बात जानते हैं कि विजय सेतुपति के साथ साथ थलापति विजय को देखने का अरमान लोगों के ठंडे पड़ गए। बहरहाल जब कैमियो नहीं हुआ तब पब्लिक ने पूछा, भैया उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो आप कैमियो के लिए राजी नहीं कर पाए। तब शाहरुख खान थलापति विजय को लेकर एटली ने जो खुलासा किया वो आपके कान खड़े कर देगा, प्लस आने वाले तूफान की तरफ से आपको जागरूक भी करेगा। एटली कहते हैं कि साल 2022 की बात है, वो अपने बर्थडे से पहले जवान की शूटिंग में बहुत बिजी थे। उनके अकॉर्डिंग 21 सितंबर को मेरा जन्मदिन था, हम लोग 19 तारीख तक शूटिंग कर रहे थे। मेरे प्रोड्यूसर गौरव वर्मा ने मुझे 2 दिन की छुट्टी दी, तब मुझे याद नहीं आया ऐसा क्यों हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि रेड चिली के लिए राष्ट्रीय छुट्टी है, आपका जन्मदिन है, वो शाहरुख खान की तरफ से आपको छुट्टी दी गई है। एटली के मुताबिक बहुत लोग जन्मदिन के लिए चेन्नई पहुंचे, उनकी टीम 32 दिनों से काम कर रही थी। ऐसे में उनके जन्मदिन पर थलापति विजय को बुलाया गया जहां पर वो पहुंचे। जब वो उन्होंने देखा विजय थलापति को शाहरुख खान से बात करते हुए, उनको लगा दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। दोनों की बातचीत के जो मैटर थे बहुत ही सिंपल थे, यानी आप सुबह कितने बजे उठते हो, कब वर्कआउट करते हो, क्या खाते हो, कैसे स्क्रिप्ट पढ़ते हो वगैरह वगैरह। यानी दोनों की ट्यूनिंग देखकर उनको बहुत अच्छा लगा और बातों बातों में थलापति विजय ने कहा, तुम एक ऐसी कहानी लिखो जहां पर मैं और शाहरुख खान एक साथ बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये बात उनको लगा मजाक में कही गई बिकॉज बर्थडे का टाइम हो सकता है, खुशी खुशी में बोल दी गई हो। लेकिन थलापति विजय ने अगले दिन फिर मैसेज किया एटली को और कहा कि एक ऐसी मजबूत स्क्रिप्ट लिखकर तैयार रखो जहां पर मैं शाहरुख खान के साथ काम कर सकूं। मजे की बात थी कि उस वक्त जब कॉल चल रही थी तब शाहरुख खान एटली के बगल में बैठे हुए थे और उन्होंने भी सारे में कहा कि हाँ वो विजय के साथ काम करना चाहते हैं। यानी सारा लव बोलो अब ये है कि दोनों सीरियस हैं साथ काम करने के लिए और एटली को खुलेआम कह चुके हैं कि आप कहानी लिखिए और पहली बार ऐसा होगा नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया के सुपरस्टार के साथ काम करेगा और बहुत ही बड़े लेवल की पैन इंडिया मूवी बनेगी। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, एटली एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट डेवलप कर पाए, तब शाहरुख खान को थलापति विजय को एक साथ देखने को तैयार हो जाइए और ये तूफान जवान से पठान से बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।